हेलो फ्रेंड्स, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अब जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, बहुत समस्या होती है बालों में। हाई डाई लगानी है, बाल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, बहुत झंझट होता है। तो इसलिए इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छा जेल बताऊंगी, जिसे लगाने से आपको, जैसे आप सिर में लगाएंगे तो आप नेचुरल तरीके से आप बालों को सॉफ्ट बना सकते हैं, शाइनी बना सकते हैं। और इसे लगाकर आप कहीं भी जा सकते हैं। इसे लगाने के बाद अगर आप रात को भी लगा लेंगे, दिन में भी लगा लेंगे, तो ये बिल्कुल भी आपके बालों में दिखाई नहीं देगा। आप हर तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, कहीं लगा कर भी जा सकते हैं। और जिन लोगों की एज कम है, मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप बोलेंगे हर टाइम ऐसे बोलते हैं, तो मैं आज की जो रेसिपी लेके आई हूँ वो जिन लोगों की एज कम है, अगर वो इसे अभी जल्दी शुरू कर देंगे ना, तो उनके बाल जड़ों से बिल्कुल भी वाइट नहीं होंगे। और जिन लोगों को लगता है कि उनके बाल हमेशा काले रहें, तो वो इसे रेगुलर यूज़ करें, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा बालों में, बाल नेचुरल तरीके से काले घने होंगे। जिन लोगों की बालों की ग्रोथ रुक गई है या फिर जिनके बाल उड़ गए हैं, यानी कि बहुत बाल टूटते झड़ते हैं, जड़ें बंद हो गई हैं, उनके लिए बहुत अच्छी रेसिपी है ये। इसलिए तो हर तरीके से आपके बालों को काला करेगी, और काला जो बाल आपके जब वाइट बाल दिखाई दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है, जो जिनकी ज़्यादा एज है। और मोस्टली सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर आप इसे सर्दियों के मौसम में यूज़ करेंगे तो आपको ढाई का झंझट खत्म हो जाएगा। आप इसे दिन में भी लगा सकते हैं, रात को भी लगा कर सो सकते हैं, ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा जेल है बालों के लिए। अब उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें थोड़े से जो गुड़हल के पत्ते होते हैं वो यूज़ करूँगी, क्योंकि गुड़हल के पत्ते क्या होता है, नेचुरल तरीके से बालों का झड़ना रोक देते हैं, काला करने का काम करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए तो इसमें थोड़े से मैं 8 से 10 गुड़हल के पत्ते लूँगी, फ्रेश वाले गुड़हल के पत्ते लेने हैं आपको। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने मंजीत का पाउडर लिया है, मंजीत इसलिए क्योंकि मंजीत बालों को ना बहुत नेचुरल तरीके से काला करने का काम करती है, बालों का इन्फेक्शन रोकती है, बालों की ग्रोथ तो डबल कर देती है, इसलिए मैं मंजीत का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैंने आंवला शिकाकाई, ये मैंने अभी थोड़ा 1-2 दिन पहले ही बनाया था, क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी। तो इसमें मैंने आंवला शिकाकाई और थोड़े से लहसुन प्याज के जो छिलके होते हैं ना, उन सबको सुखाकर उसका पाउडर बनाया है, यानी कि आंवला शिकाकाई और लहसुन और प्याज, चारों चीज़ों को आपको धूप में सुखाना, अच्छे से एक ही दिन की धूप में अच्छे से हो जाएंगे, और उसके बाद आप उसका पाउडर बना लीजिएगा। तो ये मैंने 1 चम्मच उसका पाउडर लिया है। और इसमें जो जेल बनाने के लिए हमें सामान चाहिए, उसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी ली है, कलौंजी काले वाली जो अचार में यूज़ करते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों के बाल बिल्कुल उड़ गए हैं, बालों के आने की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोगों के बाल टूट जाते हैं, कितनी बार जड़ों से बिल्कुल निकल जाते हैं, जड़ें बंद हो जाती हैं, तो उनके लिए कलौंजी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा कलौंजी ली है, थोड़ा सा अलसी के बीज लिए हैं, क्योंकि अलसी के बीज में बहुत ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। बालों को एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, जिन लोगों के बालों में बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के कारण जो भी आपके बालों में कमी है उसे पूरा करेगा ये। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, ओमेगा 3 होता है, और इसमें मेथी एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल का काम करेगी। तो मैंने तीनों चीज़ों को इसमें भिगा के रखा हुआ है। आप जैसे 1/2 चम्मच कलौंजी ले लीजिएगा, 1 चम्मच मेथी ले लीजिएगा, और 1 चम्मच ही अलसी के बीज, तो ये आपका लगभग 2.5 चम्मच सामान हो जाएगा। उसे आप रात भर भिगा के रख दीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो बनाने से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो बनाने से लगभग इसे 2 से 2.5 घंटे पहले से मैंने भिगा दिया था। तो आप चाहे तो इसे रात भर भिगा कर रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे 2-2.5 घंटे पहले, जब भी आपको बनाना है उसे 2-2.5 घंटे पहले भिगा कर रख दीजिएगा, तो अच्छे से फूल जाएगा, तो और अच्छा जेल बनेगा आपका। तो ये सब चीज़ें मैंने भिगा के रखी हुई थी रात को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को पकाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी रेसिपी आगे बनाएंगे। तो उसके बाद सबसे पहले मैं इसे रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और इसमें हम, जैसे मैंने पानी नहीं डाला हुआ है, सिर्फ इतना पानी डाला था कि ये आराम से भीग जाए, तो अब इसमें हम लगभग 1/2 कटोरी, जितना भी आपको बनाना है उसी हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, और पानी भी। तो मैंने 2.5 चम्मच सामान लिया है, उसमें मैं 1/2 कटोरी पानी लूंगी, और इसे मैं कम गैस पर पकाऊंगी। तो इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं करूंगी, और मैं आपको सामने दिखाऊंगी बनाकर कि इसे कैसे बनाना है। अब इसमें मैंने, देखिए ये 2.5 चम्मच मेरा सामान था, मैं दिखा देती हूँ आपको, और इसमें मैं 1/2 कटोरी जो पानी है वो डालूंगी, इतना कि मेरा सामान अच्छे से डूब जाए थोड़ा। और इसमें मैं जो मेरे 8 से 10 गुड़हल के पत्ते थे वो भी मैं डाल दूंगी इसमें, और 1 चम्मच जो मंजीत का पाउडर था वो भी, और आंवला शिकाकाई और लहसुन प्याज के जो छिलके हैं उसका पाउडर भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे, लगभग जब तक हमारा जेल अच्छे से नहीं बन जाता, लगभग 4 से 5 मिनट तो हमें इसे पकाना पड़ेगा। इसलिए इसे एक बार हम अच्छे से चला देते हैं, क्योंकि जो हमने पाउडर वाली चीज़ें यूज़ की हैं वो अच्छे से भीग जाए, और लगभग 4 से 5 मिनट तक इसे पकाने के बाद हमारा जेल ना अच्छे से तैयार हो जाएगा वो।
ये हर्ब इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे से, क्योंकि भीग जाएंगी तो और जल्दी अच्छे से पक जाएंगी। जो मेथी कलौंजी और हमने जो मेथी कलौंजी और वो लिया है सामान अलसी, तो उससे क्या होगा, इसे भिगाने से ना एक तो जल्दी बन जाएगा, हमें ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा, और ऊपर से जेल जो है ना वो बहुत ही गाढ़ा बनेगा। तो मेथी तो बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, मेथी कलौंजी, कलौंजी ऐसी होती है कि गंजे जो लोग हैं उनके सिर पर भी बाल उगा सकते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। इसलिए अब ये देखिए, ये मेरा जो पानी है वो गर्म होना शुरू हो गया है, अभी से हम लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही ना बिल्कुल कम गैस में पकाएंगे, जिससे कि एक अच्छा सा बॉयल आता रहे, फिर शांत हो जाए वो, क्योंकि मैं इसे इंडक्शन में बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमें बहुत कम कम गैस में इसे पकाना है, तभी जो अलसी और मेथी है उसका जेल अच्छे से तैयार होगा, गाढ़ा बनेगा। तो इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं और पका कर हम इसे ठंडा कर लेंगे, तब उसके बाद देखते हैं कैसा होता है ये। अभी देखिए इसे पका लिया है मैंने अच्छे से 5 से 7 मिनट तक, बिल्कुल कम कम गैस में आपको पकाना है, जिससे कि अलसी और जो हमने मेथी ली है वो कलौंजी ली है उन सब का अच्छे से पककर जेल बन जाए। इसलिए अब इसे हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे घुमाएंगे इसको, इससे क्या होगा ये जिसमें जो हमारा जेल है ना वो अच्छे से फिट जाएगा, उसके बाद हम इसे हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब छानेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा जेल ना हमारा वो चिपकेगा नहीं, थोड़ा खुला खुला रहेगा, उसके बाद हम जब इसे छानेंगे तभी हमारा अच्छे से जेल वो कटोरी में छानेंगे तो आराम से छन जाएगा, जो हमारे बालों में लगाने लायक होगा। अब देखिए इसे हमने अच्छे से चला लिया है, अब हम इसे छानेंगे। आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसे थोड़ा गर्म गर्म करके ही छानना है। अब धीरे धीरे ऐसे चम्मच से हम चलाते रहेंगे छन्नी को, जिससे कि हमारा जेल जो नीचे छनता रहे वो। अगर ठंडा करेंगे तो ये बिल्कुल छनना बंद हो जाएगा, क्योंकि अलसी और मेथी दोनों ही ऐसे हैं जिन्हें हम जब जेल बनाते हैं तो थोड़ा गरम गरम छान लेंगे तभी छनेंगे वो, नहीं तो ठंडे होने के बाद बिल्कुल नहीं छनते हैं, वो चिपक जाते हैं बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ बनाकर ये कैसा बना है, इसलिए थोड़ा सा छान लेती हूँ पहले मैं। अभी देखिए मैं आपको पहले ये दिखा देती हूँ, अब ये ऐसे बन के तैयार होगा जेल आपका, देख रहे हैं ना ये बिल्कुल काला बना है, और इसे आप चाहे तो कपड़े के उससे भी छान सकते हैं, जैसे कपड़े के छन्नी से छानते हैं तो ऐसे भी छान सकते हैं। और आपको इसे लगाना कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ, आप जैसे ऑयल की मसाज करते हैं ऐसे इसे जड़ों से लेकर पूरी लेंथ में आप अच्छे से मसाज कर छोड़ दीजिएगा। आप चाहें तो इसे सिर धोने से 10 से 15 मिनट पहले लगाकर अच्छे से बालों में, और उसके बाद शावर कैप लगा ले, इसे क्या होगा अच्छे से रूट्स तक इसका इफेक्ट जाएगा, जो आपकी बालों की जड़ें हैं ना वहाँ तक पूरा अंदर तक इसका असर जाएगा, तो नेचुरल तरीके से बालों की जो जड़ों का इन्फेक्शन है उसे दूर करेगा और बालों को काला करने में मदद करेगा आपकी ये। आप चाहें तो इसे सिर धोने के बाद भी जैसे आप कंडीशनर लगाते हैं थोड़ा सा आधा चम्मच लेकर इसे कंडीशनर की तरह भी जड़ों में अच्छे से लगाकर छोड़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी आपके बालों में चिपचिपा ऑयल की तरह नहीं करेगा, सिर्फ कंडीशनर जैसे आप लिवोन लगाते हैं या फिर जो भी आप कंडीशनर यूज करते हैं शैम्पू के बाद, तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे अगर रेगुलर यूज करेंगे ना आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला करेगा, घना बनाएगा, बालों की लेंथ बहुत अच्छी करेगा, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, हर तरीके से बालों के लिए बहुत अच्छा है, एक रामबाण नुस्खा है आपके बालों को काला करने का, घना बनाने का। इसलिए आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।